अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी। तो उसके लिए मैंने ये हाफ कप लिया है कुकिंग ऑयल, और इसको हमने थोड़ा गर्म कर लेना है। और इसमें अब हम ऐड कर देते हैं एक बड़ी प्याज, और इसको हमें डार्क ब्राउन करना है। अब इसके अंदर हमने दो दालचीनी के टुकड़े और दो देसा और जीरा है और लौंग है और छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इसको डाल के थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं खुशबू आने का। अब इसमें हमने लहसुन अदरक है 1 टेबलस्पून ये डाल देना हमने, और भून लेना हमने इसकी खुशबू आने तक। ये भून चुका है, खुशबू आने लग गई है। इसमें अब हमने बीफ ऐड कर देना, और बीफ को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है इसमें, ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। अब ये कलर चेंज हो गया इसका, और इसकी खुशबू आने लग गई है। ये जो स्मेल होती है ना बीफ की, वो भी ख़त्म हो जाती है ऐसे भूनने से। तो अब इसमें हम टमाटर ऐड करते हैं। ये बड़ा मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, तो हमने 1 से 2 मिनट भूनना है अब फिर दोबारा, ताकि ये टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। अब ये टमाटर सॉफ्ट हो गए, इसमें अब हमने मसाले ऐड करने हैं। मसाले बिरयानी मसाला है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही सूख मिर्च है, और ये नमक है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ये है फूड कलर। तो चलिए इसको डाल के हम 5 मिनट के लिए इसको हमने पकाना है, भूनना है अच्छी तरह से। ऑयल सेपरेट हो गया इसका, इसका मतलब इसका ये मसाला भून चुका है। इसमें अब हमने पानी ऐड करना है, और तो पानी को मैंने बॉईल किया है। तो हमारे पास 1 गिलास चावल है, 2 गिलास पानी और 1 एक्स्ट्रा गिलास डाला है, ताकि इसमें जो बीफ है ना वो गल जाए। तो आप चाहे तो इसे वैसे ही कुक कर लें, या अगर वेट लगाना है तो 15 से 20 मिनट, और वैसे पकाना है तो 1 घंटा लगेगा। हम इसको वेट लगाएंगे 15 से 20 मिनट। चलें इसको वेट लगाते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, इसको हम अपने सेपरेट कर लेने। अब हमने इसको छान लिया अच्छी तरह से, ये देखें। अब इसको हमने छान के फिर यूज करना है। अब हमने इसमें निकाला था गोश्त, ये ऐड कर देना। उसके बाद हमने इसमें चावल डालने। अब ये चावल ऐड कर देते हैं हम इसमें। चावलों को मैंने पहले 1 घंटा भिगो के रखा था। और नमक इसमें डालना। अब इसमें हमने ये पानी डालना है जो हमने निकाला था, इसको तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसको ड्राई होने तक हमने पकाना है। अब इसको हमने दम पे रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। इसका दम उतारते हैं, ये रेडी है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये अरबिक डिश है, इसको कप्सा भी कहते हैं, बिरयानी कप्सा बिरयानी। चलिए आप सर्व करते हैं इसको। बीफ बिरयानी यानी कब्सा रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। Yeah.